रोहन जी भैया जी क्या ऑफर चल रहा है मेरा? भैया जी मात्र 50 रुपए लेके आओ और मैगी और चाय का कॉम्बो लेके जाओ। अच्छा, खुद भी आओ, अपनी गर्लफ्रेंड को लाओ और फ्रेंड्स को भी लेके आओ और रिक्शा वाले कैफे पे मौज मार के जाओ। अच्छा, 50 रुपए में मात्र 50 रुपए। बिल्कुल झूठ तो नहीं बोल रहे भैया जी, बिल्कुल मात्र 50 रुपए मिलेगा। तो जी कैफे तो यार आप लोगों ने बहुत तरीके के देखे होंगे, बट आज जो मैं तुम्हें कैफे दिखाने वाला हूँ, ऐसा कैफे ना ही तो तुमने कभी देखा होगा, ना ही ऐसे किसी कैफे के बारे में तुमने कभी सुना होगा। तो जी इस टाइम पे हम फरीदाबाद के अंदर जहाँ पे हमें ये बेहतरीन सा सेटअप दिखा है, तो आ जाओ यार एक बार ना भैया जी से बात करते हैं। भैया जी क्या हाल चाल है? बढ़िया भैया जी, आपको एक बार नाम बता दो यार। मेरा नाम पवन श्रीवास है भैया। तो पवन भैया कैसे आपने मतलब स्टार्ट करने का सोचा इसको? स्टार्टअप मैं पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई के साथ साथ अपना काम भी कर रहा था। हाँ जी। फिर मैं तो मैं 12th तक पढ़ाई के साथ साथ काम करता रहा, उसके बाद फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। तो मतलब एडमिशन के लिए मेरे पास इतनी ज्यादा फीस नहीं थी, तो मैंने एडमिशन लेते ही है ना, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं फीस पे नहीं कर पाऊंगा, जिस वजह से घर की प्रॉब्लम देख के, तो जिस वजह से मैंने कॉलेज ड्रॉप करा और कॉलेज के बाद अपना खुद का काम स्टार्ट कर दिया। खुद का काम स्टार्ट करने का सोचा। तो भैया मतलब ये आइडिया कैसे निकल गया है, मतलब रिक्शा वाला कैफे, मतलब नाम और ये ऐसा बेहतरीन सा सेटअप कैसे सोचा? तो भैया जी मतलब हम लोग थे फ्रेंड्स वगैरह थे, सब लोग ग्रुप में ऐसे चाय वगैरह की टपरियों पे जाया करते। अच्छा। थे तो मैंने सोचा हम भी ऐसे कुछ चाय का स्टॉल ओपन करें जिससे हमारे सारे फ्रेंड्स वगैरह आके इधर ही बैठे, यही पे एक साथ मिले सब लोग। अच्छा। तो जिस वजह से हमने एक स्टॉल ओपन कर दिया है। अच्छा। सबसे पहले भैया जी ये बता दो यहाँ पे क्या क्या मिल जाता है? भैया जी यहाँ पर चाय है, कॉफी है और मैगी भी है। अच्छा। तो मतलब मोस्ट सेलिंग आइटम यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मोस्ट सेलिंग चाय हमारी। अच्छा चाय। तो मतलब कितने वैरायटीज की चाय मिल जाती है फिलहाल? तो अभी तो मसाला चाय है। अच्छा। लेकिन 10-12 दिन में हम फ्लेवर्स ला रहे हैं, 8-10 फ्लेवर्स ला रहे हैं। अच्छा, 8-10 फ्लेवर आप लाओगे? हाँ। बहुत बढ़िया। तो भैया कैसे कोई तड़कता भड़कता सा ऑफर चल रहा है यहाँ पे? हाँ जी भैया जी, ऑफर है हमारे पास चाय के लिए। अच्छा, क्या ऑफर चल रहा है हमारा? बाय टू गेट वन फ्री, दो चाय पे एक चाय फ्री हमारे यहाँ। अच्छा, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लाओ और बेस्ट फ्रेंड को भी पिलाओ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, और एक चाय पीने के बाद अगर दोबारा से आप रिफिल करवाना चाहोगे तो 50% डिस्काउंट उस चाय पे है। अच्छा, वो भी 10 रुपीज हमारी रिफिल होगी। बहुत बेहतर। भैया जी फिर आज हमें क्या खिला रहे हो आप? भैया जी हम मैगी बना रहे हैं आपके लिए। अच्छा जी, मतलब मैगी बना रहे हैं, चाय और मैगी दोनों बना रहे हैं। अच्छा जी, बहुत बेहतरीन। यहाँ पर जो है यार मेरे को भैया की एक चीज बहुत ही बढ़िया लगी, जो भी मतलब आप वेजिटेबल्स है अपने तरीके से डलवा सकते हो, फ्रेश कट करके यहाँ पे भैया वेजिटेबल्स का यूज करेंगे। मैं तो यार अपना सारी वेजिटेबल्स खा लेता हूँ, तो मैंने तो यार अपने लिए मिक्स वेजिटेबल मैगी बनवाई है। उसमें आ जाते हैं सबसे पहले हमारी ग्रीन चिली, टमाटो, ओनियन और साथ ही साथ कोरिएंडर। एक बार आप यार स्टॉल की तरफ देखो, स्टॉल को देखो कितना नीट एंड क्लीन भैया ने मेंटेन कर रखा है, मतलब हाइजीन का देखो एकदम अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं भैया। तो आ जाओ यार एक बार ही देखते हैं हमारी मैगी की मेकिंग किस तरीके से होती है। सबसे पहले आ जाता है हमारा पैन के अंदर बटर। तो भैया जैसे ये आपने ओपन तो कर लिया यहाँ पे कैफे, बहुत बेहतरीन सा, तो मतलब आगे क्या प्लान है इस कैफे को ले जाने का? आगे भैया इन्हीं को मतलब और ऊपर लेवल तक लेके जाएंगे। अच्छा भैया जी, आ गया है मिर्च। अच्छा, सबसे पहले आ गई हमारी हरी मिर्च। हरी मिर्च देख सकते हो बटर के अंदर किस तरीके से हमारी यहाँ पे फ्राई हो रही है हरी मिर्च। ये आ गई प्याज। अच्छा जी, ऊपर से आ गया देखो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बारीक कटे हुए प्याज। ये टमाटर आ गया, बहुत बढ़िया, ये आ गया हमारे ऊपर से टमाटर। ओ भाई साहब यार, भैया तो हमारे लिए लग रहा है बिल्कुल ही धुआंधार सी मैगी बना देंगे आज। तो भैया जी हमारी मैगी कितने प्राइस से यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है? मैगी 40 का है हमारे पास में। अच्छा, 40 रुपीज की मैगी है। हाँ, मैगी अगर चाय भी खरीदते हो तो 50% डिस्काउंट के साथ मिलती है हमारे पास। अच्छा, 10 रुपए की चाय, मतलब 50 रुपए टोटल कॉम्बो चाय और मैगी का है। अच्छा, बहुत बेहतरीन सा यहाँ कॉम्बो बन जाता है मतलब। हाँ जी। तो भैया क्या रिस्पांस आ रहा है, मतलब जैसे हमने यहाँ पे आपने कार्ड लगा रखा है, न्यू सेटअप करा है, तो रिस्पांस कैसा रह रहा है भैया? अभी तो नॉर्मली लोग आ रहे हैं, मतलब कम आ रहे हैं। अच्छा, कम आ रहे हैं अभी, लोग देख रहे हैं बस आ नहीं रहे हमारे पास। हाँ, मतलब वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। हाँ बिल्कुल। तो जी देख सकते हो हाइजीन का कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है, प्लेटों को सर्व करने से पहले किस तरीके से साफ किया जा रहा है। अच्छा भैया, इस कंटेनर के अंदर हमारी सर्व की जाती है मैगी? हाँ जी भैया जी। भैया अगर हम सिंगल सिंगल लेते हैं मैगी और चाय तो इसका क्या प्राइस आ जाता है? चाय का हमारे पास 20 का है और मैगी 50 का है। अच्छा, मतलब टोटल लेते हो तो 50 में टोटल दोनों ही हो जाते हैं। देख सकते हो हमारी सबसे पहले आ गई है पैन के अंदर मैगी। तो भैया यहाँ पे किस टाइप के मतलब पर्सन जो है ज्यादा प्रेफर हो रहे हैं, जैसे कपल्स हो गए, सिंगल लोग हो गए, तो मतलब किस टाइप के लोग ज्यादा आ रहे हैं? मतलब सिंगल्स ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा, सिंगल ज्यादा आ रहे हैं। हाँ जी। तो मतलब कपल्स भी आते हैं? हाँ, कपल्स भी आते हैं, फैमिली भी आती है। अच्छा अच्छा, पूरी फैमिली भी आती है। अच्छा, तो मतलब क्या चीज प्रेफर कर रहे हैं सबसे ज्यादा? हमारे यहाँ चाय चल रही है, मसाला चाय चल रही है हमारे। अच्छा, मसाला चाय का चुस्की लेने आते हैं। जी बिल्कुल। तो भैया जी जैसे आपने कार्ड के ऊपर लिखवा रखा है चाय प्लस सुट्टा इक्वल टू रिलैक्स, तो मतलब इसका क्या मतलब है, मेरे को ये समझाओ। मतलब भैया जी जो मतलब हम लोग फ्रेंड मतलब होते हैं लौंडे। हाँ जी। तो चाय और सिगरेट ज्यादा पसंद होती है। हाँ जी। तो उस वजह से हमने मतलब ऐसे देखने के लिए लोगों को अच्छा लगे, उस वजह से चाय सुट्टा का इक्वल टू रिलैक्स का लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, बहुत बेहतरीन।
तो भैया ये हमारी जो जैसे 2 मिनट के लिए कहते हैं मैगी बन के रेडी हो जाती है, तो मतलब बेसिकली कितना टाइम ले लेती है यहाँ पे? बेसिकली 5 से 7 मिनट लग जाते हैं भैया। अच्छा 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। 2 मिनट कहते हैं कि 2 मिनट में रेडी हो जाती है। हाँ कम से 5-7 मिनट लग जाते हैं रेडी होने कहने की बातें। तो भैया एक बार मेरे को अपनी टाइमिंग्स बता दो, कितने बजे आ जाते हो आप? हम 3 बजे से रात के 11:30 बजे तक ओपन रहता है हमारा। अच्छा 3 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे? हाँ, हमें 3 बजे से। अच्छा जी, तो भैया जी एक बार सबसे पहले मेरे को अपनी लोकेशन बता दो, अभी इस समय हम कहाँ पे हैं? ये लोकेशन है सेक्टर 21 मेन मार्केट, फरीदाबाद हरियाणा। तो भैया भाई लोग आप सब देख सकते हो ये हमारी 21 की मेन मार्केट है, सामने यहाँ पे हमारा पुलिस स्टेशन है। तो आप यहाँ पे जस्ट सामने भैया के पास आ सकते हो, रिक्शा वाला कैफे। जैसे कि आपने बोला कि मतलब सिंगल्स के लिए परफेक्ट स्थान है, तो मतलब ये क्या सोच के बोला है? मतलब हम जैसे लोग रहते हैं तो मतलब सिंगल्स लोग हैं ना, तो लड़के होते हैं मतलब फ्रेंड्स वगैरह, तो उनके लिए है अच्छा स्थान। अच्छा, चाय की चुस्कियाँ ले सकते हैं और मैगी वगैरह सब टेस्ट कर सकते हैं हमारे यहाँ से। तो भाई साहब देख सकते हो हमारी यहाँ पे मैगी कितनी खिलखिली से बनकर रेडी हो चुकी है, ऊपर से आ चुका है यहाँ पे बहुत सारा बटर। लो भैया आपकी मैगी बनकर रेडी हो चुकी है। अच्छा 2 मिनट वाली मैगी बनकर रेडी हो चुकी है, टेस्ट करके बताओ मैं। भाई साहब ये हमारी मैगी बनकर रेडी हो चुकी है। भैया यार आप तो हमें कॉम्बो टेस्ट करा रहे थे, आपने सिर्फ यहाँ पे मैगी का लगा दिया। भैया आपको चाय भी दे रहे हैं हम लोग। अच्छा चाय अभी दे रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। ये क्या आ रहा है हमारा ऊपर से? ये भैया मसाला है, चाय मसाला है। अच्छा चाय का मसाला है। हाँ। घर पे बनाते हो क्या? हाँ बाहर से खरीद के लाते हैं, फिर मिक्सिंग वगैरह कूटते हैं, सब घर पे ही है। अच्छा ये सब हमारा घर पे होता है। ओए होए होए भाई साहब देखो हमारी चाय को कितनी बेहतरीन तरीके से कूलर के अंदर डाला जा रहा है। लो भैया जी आपकी चाय और मैगी रेडी हो चुकी है, कॉम्बो। अच्छा हमारा कॉम्बो रेडी हो चुका है। सबसे पहले एक बार दोबारा से प्राइस बता दो हमें। 50 रुपए का हमारा कॉम्बो। अच्छा 50 रुपीज का हमारा ये कॉम्बो रेडी हो चुका है। तो हाँ जी भैया जी फ्यूचर का क्या प्लान है हमारा? भैया जी जब तक कि हमें ऐसे 10 कैफे ओपन निकलना, जब तक हमें चैन से नहीं बैठना है। अच्छा जी मतलब 10 कैफे ओपन, 10 कैफे ओपन करना है जब तक। अच्छा तब तक दम नहीं लेना? तब तक दम नहीं लेना है। बहुत बढ़िया, ऐसी मोटिवेशन होनी चाहिए मतलब जिंदगी में। बिल्कुल भैया। लोकेशन बता दो एक बार। लोकेशन है सेक्टर 21 मेन मार्केट फरीदाबाद हरियाणा में। अच्छा जी, तो सबसे पहले एक बार आ जाओ, मैं आपको एक बार कॉम्बो दिखा देता हूँ यहाँ पे कौन सा कॉम्बो मिल रहा है। देख सकते हो मैगी और यहाँ पे हमारे चाय का कॉम्बो बनके रेडी हो चुका है। देखो एक बार कितना प्यारा सा यहाँ पे हमारा कॉम्बो लग रहा है। आ जाओ यार एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं और कैसा कॉम्बो है हमारा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक बार आप मैगी देख सकते हो कितनी बेहतरीन तरीके से गार्निश कर रखी है। मैगी का टेस्ट तो भाई साहब बहुत जबरदस्त है। एक बार मैं मस्ट रिकमेंड करूंगा यहाँ पे आके एक बार आप जरूर से ट्राई करके देखें यहाँ पे मैगी। लाजवाब। तो आ जाओ एक बार चाय को और टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले एक बार आप चाय की रंगत देख लो। तो आ जाओ एक बार इसको टेस्ट करते हैं। चाय लवर्स के तो बेस्ट पॉइंट होने वाला है। वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को करो सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।